हाई एवरी वन, वेलकम टू आवर चैनल शिवम सन ब्लॉग। दिस इज़ मी सुंदम सन, योर फ्रेंड। प्रीवियसली आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा होगा, विच इज़ अ फूड चैलेंज, जो कि मैं और मेरा भाई हम दोनों साथ में करते थे। तो अभी वो चैलेंजेस पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, रीज़न आप सबको पता है, नॉट सबको बट उन लोगों को जो लोग हमारे साथ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे हैं या फिर मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, तो मोस्टली उनको रीज़न पता है कि रीज़न क्या है। तो अभी वैसे हॉल हो पाना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए वन ऑफ माई फ्रेंड एंड मॉम सजेस्ट मी दैट मेरे पास काफ़ी स्टफ़ रहता है हमेशा, मैं मंगवाती रहती हूँ। हाँ, मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो मेरे पास काफ़ी सारा स्टफ़ है, मैं ऑनलाइन सामान मंगवाती रहती हूँ, हमेशा नहीं बट मंगवा लेती हूँ। यस, तो अभी हाल फिलहाल सेल चल रही थी, तो सेल में मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ चीज़ें मंगवाना, क्योंकि वो चीप रेट पर ब्रांडेड चीज़ें मिल जाती हैं, जस्ट बिकॉज मैं सेल में चीज़ें मंगवाती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ये वीडियो पूरी अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिएगा, जो चीज़ अच्छी ना लगे या फिर कुछ आपको बताना हो मुझे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको वो पार्ट अच्छा लगा या फिर मुझे यहाँ पर ये चीज़ और ऐड करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट में, और अगर आपको चैनल पे बने रहना है हमारे साथ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन प्रेस करिए ना करिए, वो आपकी मर्ज़ी है पूरी तरीके से। अगर आप कर लेंगे तो हाँ, आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी और आप उसे देख लेंगे। तो बिना देर कर वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, वीडियो में मैं आपको, मैं यहाँ पर ट्रायल नहीं दिखाऊंगी, ट्रायल मैं आपको इंस्टाग्राम पर दिखाऊंगी, तो ट्रायल आप वहाँ पर देख लीजिएगा। सो यस, हियर इज़ द फर्स्ट सूट जो मैंने ये पहन रखा है, ये टू पीस सेट है, इसके साथ आपको पैंट मिलेगी, नॉट प्लाजो, इसके साथ आपको पैंट मिलेगी, पैंट आपको सेम इस कलर की मिलेगी, ये देखिए, एग्जैक्टली सेम कलर की आपको पैंट मिलेगी, और इस तरीके से चेक बना होगा, तो चेक की लाइनिंग में आपको ये वाला पिंक कलर मिल जाएगा, जो आपको इंस्टाग्राम पर वीडियो में मैं आपको शो कर दूंगी। तो इस तरीके से आपको ये कॉटन मटेरियल मिलेगा, प्योर कॉटन मटेरियल है, मैंने इसको वॉश भी कर लिया है एक बार, क्योंकि मेरी आदत है पर्सनली, मैं किसी भी चीज़ को डायरेक्ट ट्राई नहीं करती, मैं उसको पहले वॉश करती हूँ, आपके वॉश ही मैं उसको प्रीफर करती हूँ ट्राई करना। तो यस, आप इसका नेक देख सकते हैं, ये इस तरीके का इसका नेक है, ये बटन है, ये बटन ओपन नहीं हो सकते, ये देखिए ये बटन है, ये ओपन नहीं होंगे, ये नीचे तक आपके ऐसे ही बटन रहेंगे। नीचे आपको इसके साथ एक पैंट मिलेगी, वो भी आपको कॉटन में मिलेगी, इलास्टिकेटेड पैंट होगी। तो ये मेरे को जितने का पड़ा वो प्राइस मैं यहाँ पे लगा दूंगी स्क्रीनशॉट के साथ। यस, ट्रायल आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा। नेक्स्ट आइटम मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने शो यू माय नेक्स्ट आइटम, यस हियर इज इट। सो इट्स अगेन अ लॉन्ग लॉन्ग सूट, और सम हाउ सम पर्सन सेइंग दैट गाउन, सो आई वाज टेक दैट एज अ सूट। तो इसमें यस, मैं आपको दिखाने से पहले बता दूँ, इसमें कुछ चीज़ें मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दी हैं, क्योंकि ये प्लेन सूट है, ये बिल्कुल प्लेन है, इसमें कुछ भी चीज़ लगी हुई नहीं थी, तो जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी है मैं वो आपको बता दूँ। तो ये है कुछ ऐसा सूट, ये आपको पास दिखा दूँ, ठीक है। ये इसमें आर्टिफिशियल मिरर वर्क हो रखा है, ये साइज़ है 36 साइज़ है इसका। इस सूट में आपको एक चीज़ प्लस बता देती हूँ, ऐसे वाले गाउन में आपको स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूँगी, ऐसे वाले गाउन में आप अपना एक साइज़ ऊपर लेकर जाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने ये 36 इसीलिए मंगवाया, मैं 34 आता है बट मैंने 36 मंगवाया, क्योंकि मैंने ये एक बार रिटर्न करा, क्योंकि मेरे पास जो आया 34 वो मेरे यू नो एकदम फिट टू फिट आ रहा था, तो मुझे फिट टू फिट पहनना पसंद नहीं है, एंड बट एरिया पर थोड़ा सा बस्ट एरिया पर से थोड़ा सा टाइट हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसको एक्सचेंज करके 36 मंगवाया। सो ये इसकी ऐसे थ्री पोस्ट स्लीव्स आ जाएंगी। ये जो आइटम आप देख रहे हैं इस तरीके की, ये लेस ये मैंने खुद लगाई है, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो इसलिए दैट्स व्हाई मैंने ये लगा दी। येलो पे ब्लैक का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत प्यारा लगा। ये इसकी इस तरीके से स्लीव्स पे आपका प्रिंट आ जाएगा, ये प्रिंटेड कपड़ा है, ये प्रिंट ऊपर से करा हुआ नहीं, हाँ ये ऊपर से करा हुआ प्रिंट है, सॉरी ये ऊपर से करा हुआ प्रिंट है, ये प्रिंटेड कपड़ा नहीं है, तो ये आपका ये प्रिंट नहीं निकलेगा, मैंने ये वॉश करके देख रखा है, तो उस चीज़ की आप फिक्र मत करिए। ये रही आपकी 3/4 स्लीव्स, इस तरीके से मिरर वर्क आ जाएगा आपका फुल, आप देख सकते हैं यहाँ साइड में आपको, ये साइड में आपको डोरी लगी मिल जाएगी, डोरी में नीचे आपको ये ऐसे टसल्स मिल जाएंगे जो आपके नी लेंथ तक आएंगे, एंड ये आपको काफ़ी फ्लेयर वाली एक अंदर फ्रॉक मिलेगी, फ्लेयर वाली काफ़ी फ्रॉक है ये, तो उसके ऊपर आपको इस तरीके से, ये आपको किस तरीके से आएगा आप इंस्टाग्राम पे जाकर ज़रूर देखें, स्टोरी में आप, स्टोरी नहीं एक्चुअली पोस्ट में आप देख सकते हैं, पोस्ट में मैं इन सभी की ट्राई की वीडियो लगा दूँगी, तो आप वो देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से कुछ ये आएगा, ये जो आपको ये नीचे दिख रहा होगा, हाँ ये भी मैंने लगाया है, ये इसमें आया नहीं था, ये मैंने लगाया है, तो आप ये भी देख सकते हैं, ये इस तरीके से ये आएगा, और ये इसमें काफ़ी सारी फ्लेयर है। ट्रायल में कैसा लगेगा वो आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाके। तो नेक्स्ट मैंने ये अपनी मम्मा के लिए मंगवाया है, सो मेरी मम्मा को ये बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने ये देखा होगा एड्स वगैरह में दिखाते हैं, तो मेरी मम्मा को ये वहीं से अच्छा लगा था, मम्मा ने मुझे दिखाया था, बोले थे कि अगर ये ऑनलाइन मिल जाए तो मेरे लिए मंगवा देना। तो यस, ये देखिए आपको इस तरीके की आर्टिफिशियल मिरर लगे हुए वर्क मिल जाएगा आपको पूरे में, ये इस तरीके से आपको धागे की कढ़ाई करनी है, धागे की कढ़ाई मिल जाएगी, ऐसा आपको दिखेंगी या तो इस तरीके से आपको मिलेगा। स्लीव्स पे भी आपको सेम पैटर्न में कढ़ाई मिल जाएगी मिरर वर्क के साथ, 3/4 स्लीव्स है इसकी, आगे पीछे दोनों तरफ स्लीव्स पे कढ़ाई मिल जाएगी, एंड सॉरी पीछे से आपको ये प्लान मिलेगा, फुल लेंथ का सूट है, फुल लेंथ का सूट है ये, आपको कितने भी साइज तक मंगवा सकते हैं, इसे बहुत बड़ा है, पीछे भी मिल जाएगा पर पीछे का प्लेन है, आगे में आपको ऐसा मिरर वर्क, आर्टिफिशियल मिरर वर्क प्लस धागे की कढ़ाई के साथ आपको ये देखिए बॉटम तक मिल जाएगा। अब इसकी बॉटम की बात करते हैं, तो इसका मटीरियल कॉटन मिक्स मटेरियल है इसका, यस कॉटन मिक्स मटेरियल है, सो कॉटन मिक्स बहुत मतलब ऐसा मटेरियल है जो आपको बहुत ठंडा ठंडा फील होगा इसमें, येस। एंड दिस वाज द बॉटम, ये इलास्टिकेटेड बॉटम, ये इज द प्लाजो सेट, सो प्लाजो कुछ खास इसमें फ्लेयर नहीं है, बट हाँ
सेटिस्फाई है, सेटिस्फाई रहेगा, आप पहनेंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइट नहीं हो सकता। ये नीचे से भी आपको फ्लेयर मिल जाएगा, थोड़ा बहुत सही पर मिल रहा है, अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा। जिन लोगों को प्लाजो सिर्फ फ्लेयर की वजह से नहीं पहनते कि उसमें काफ़ी सारी फ्लेयर होती है, बिकॉज आई एम द वन पर्सन हु डज नॉट प्रीफर प्लाजो बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज फ्लेयर्स, तो मैं भी प्रेफर नहीं करती। तो अगर मेरे जैसे ही कुछ लोग हैं तो उनके लिए ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इसमें नीचे कुछ इस तरीके की कटवर्क वाली आपको डिज़ाइन मिल जाएगी, येस लाइक दिस। सो ये भी ओवरऑल एक बहुत अच्छा कॉम्बो मुझे लगा, ये टू पीस कॉम्बो मुझे बहुत अच्छा लगा, प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे बहुत प्यारा सेट लगा, मेरी मॉम को भी पसंद आया, तो ऑफकोर्स इट्स गुड। तो ये मैं आपको रिकमेंड कर सकता। अभी देखिए ये मटेरियल लिखा कॉटन था, बट ये रिसीव मुझे रियॉन हुआ है एंड मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, सीरियसली। ये देखिए इस तरीके का है, मुझे लगा था कि ये लोगों ने या तो एम्ब्रॉयडरी कर रखी होगी या फिर कुछ लेस वगैरह लगा रखा होगा, बट ये प्रिंट है। ये देखिए ये प्रिंट है, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये बाजू भी इसकी, ये रही 3/4 स्लीव्स है, अगेन ये प्रिंट है। ये कपड़ा इन लोगों ने ना डबल करके लगा रखा है, डबल कपड़ा है ये, ये रहा, ये रहा, यहाँ से इस डबल कपड़ा करके लगा रखा है। बॉटम इसका पीछे से आपको सेम ऐसा वाला प्रिंट मिल जाएगा, है ना, एंड इसके कुर्ते के एंड में आपको इस तरीके से ये वाला प्रिंट मिल जाएगा, सेम प्रिंट, है ना। और इसका बॉटम भी दिखा देती हूँ, इसका बॉटम भी कुछ ऐसा है, इलास्टिकेटेड है, पैंट्स हैं, नॉट प्लाजो पैंट्स हैं ये, ये नहीं, पैंट्स के एंड में आपको इस तरीके से प्रिंट मिल जाएगा, यस ऐसा वाला प्रिंट मिल जाएगा। तो आई नो ज़्यादा अमाउंट का नहीं था, बट फिर भी मुझे पसंद नहीं आया। इसका मटेरियल कॉटन नहीं है, ऑफकोर्स इसका मटेरियल रियॉन है, वो भी बहुत लो क्वालिटी का रियॉन है। ओके नेक्स्ट इज, यस एक मैंने नाइट सूट का सेट मंगवाया था, जो कि यस मैं वॉश करके देख चुकी हूँ, काम गया, यस मैं वॉश करके देख चुकी हूँ, तो ये सही रहा मुझे। ये मैंने मंगवाया था साइज 38, बिकॉज ये प्योर कॉटन मटेरियल है, तो कॉटन के साथ प्रॉब्लम होती है, एज यू गाइज नोज जो कॉटन यूज़ करते होंगे उन लोगों को पता होगा कि कॉटन के साथ क्या प्रॉब्लम होती है। कॉटन अगर हम अपनी फिटिंग्स का मंगवाते हैं, मतलब फिट टू फिट मंगवाते हैं, साइज सपोज करिए 32 है, अगर हम 32 ही कॉटन मंगवा लेते हैं तो कॉटन को आफ्टर 1 or 2 वॉश वो श्रिंक हो जाता है, वो साइज आपको फिर टाइट होगा। तो इसलिए मैंने इसको बड़ा मंगवाया, नाइट सूट वैसे भी हमें क्लमजी चाहिए होता है, तो यस इसकी फुल स्लीव्स आएंगी, यस फुल स्लीव्स पे आपको कुछ इस तरीके से डबल लेयर करके देंगे ये लोग। इसमें एवोकाडो बना हुआ है, प्रिंट है एवोकाडो का, मुझे बहुत प्यारा लगा। आनियन कलर में मैंने इसको लिया है, ये देखिए आपको शायद ये कलर अब दिखेगा, आनियन प्लस पिंक कलर है, ऑनियन पिंक मिक्स है। तो यस इट ओपनेबल शर्ट, इज अ शर्ट, है ना। कॉलर का डिज़ाइन मुझे इसका बहुत, मुझे ऐसा वाला कॉलर का डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि नाइट सूट में ऐसे ही कॉलर के डिज़ाइन होते हैं। एंड इसका नीचे बॉटम मटेरियल है इलास्टिकेटेड पजामा, ऑफकोर्स इसमें कोई जेब नहीं है, आपको जेब नहीं मिलेगा। सो यस ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये है आपका पजामा। पजामा का साइज़ काफ़ी सही लगा मुझे, बहुत सटल साइज़ है, तो मैं ये भी आपको, ये वाले टू पीस मैं आपको रिकमेंड करूँगी हाईली, क्योंकि ये भी नाइट पीस अगर आपको चाहिए तो आप इसे मंगवा सकते हैं, वो मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कहाँ से क्या चीज़ मंगवाई है। आइटम मेरे पेंडिंग में चल रहे हैं अभी, उनकी डिलीवरी लेट होगी मुझे 30 ऑफ दिसंबर और 31 ऑफ दिसंबर मुझे वो आइटम रिसीव होंगे, तो अगर ये वीडियो पोस्ट होने से पहले वो आइटम मुझे रिसीव हो गए तो मैं डेफिनेटली आपके साथ वो सब शेयर कर दूँगी। सो यस वो नहीं तो वो फिर बाद में देखेंगे। सो यस देयर इज़ ओ गॉश इज़ अ पाउडर ब्लू कलर, वो आपको शो नहीं हो रहा कैमरे में, मैं आपको ट्रायल में शो कर दूँगी, ट्रायल में देख लीजिएगा, इज़ अ पॉलिश्ड ब्लू कलर, शो शो नहीं हो, ये सही है, दिस वाज़ द एग्जैक्ट कलर, इज यस अभी आपको ओरिजिनल कलर शुरू हुआ है, अभी यहाँ कलर से ग्रे सा हो रहा है, नहीं आ पा रहा। ये भी रेगुलर साइज टॉप है गाइस, इसका मटीरियल बहुत अच्छा मटीरियल है, सीरियसली ट्रस्ट मी। ये हियर इज़ अ टॉप अगेन, ऑनियन कलर टॉप, तो ट्रायल कैसा लगेगा वो मैं आपको दिखा दूंगी ने अपनी इंस्टाग्राम, एक्चुअली नॉट माइन, इट्स माई ब्रदर्स इंस्टाग्राम हैंडल पे, क्योंकि वही हमारे यूट्यूब को ऑपरेट करता है। सो यस इट्स दिस काइंड ऑफ टी शर्ट इज दिस, यू नो फुल लेंथ टी शर्ट, रेगुलर साइज टी शर्ट है, घर पे पहनने के लिए मैंने इसको मंगवाया, इवन तो आप बाहर भी पहन के जा सकते, कुछ नहीं है। इसका मटीरियल बहुत अच्छा है, इन दोनों का मटीरियल बहुत अच्छा मटीरियल है, बहुत बटरी इनका टच है, इट्स नाइस मटीरियल। ओके सो लास्ट इन माई हॉल आई हैव अ गाउन, सो यस इट्स ऑनियन कलर गाउन, ये गाउन आपको ट्रायल में ही समझ में आएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ, बट ये आपको समझ में ट्रायल में ही आएगा कि ये किस तरीके का गाउन है। सो कुछ इस तरीके का नेक मिल जाएगा, नेक पे आपको ऐसे बटन्स लगे हुए मिल जाएंगे, ऐसा आपको अगर दिखाई दे रही हूँ तो इस तरीके से बटन्स लगे हुए मिल जाएंगे, है ना। पूरा गाउन में आपको स्लीव्स नहीं है, स्लीव्स की जगह आपको ये जॉर्जेट मटेरियल में है, ये इस तरीके से ऊपर लगा हुआ है, यहाँ साइड से नीचे से कट है, एंड हियर इज द बेल्ट, तो लेट मी शो यू क्लियरली, यस इट इज़ द बेल्ट, ये आपके वेस्ट के एरिया में आएगी, यू नो आपके इस एरिया में, वेस्ट के एरिया में आपकी ये बेल्ट आएगी। सो इट इज़ अ बेल्ट हियर, फ्लोर टच आपका गाउन है ये, इसमें बहुत सारी फ्लेयर्स हैं, यू नो इज़ अ हैवी फ्लेयर फ्लोर टच गाउन, ये पूरा आपको जॉर्जेट के मटीरियल, जॉर्जेट के मटीरियल में ही मिलेगा, येस ऑफकोर्स ये नेट नहीं है, जॉर्जेट है। इसके अंदर आपको येस फुल लेंथ की लाइनिंग लगाई हुई मिल जाएगी, विच इज़ ग्रेट थिंग, जो स्कीन कलर में है, ओनियन कलर में या बहुत फ्लेयर्स हैं, तो मुझे ये गाउन पैसा वसूल गाउन लगा, इट्स वर्थ ऑफ मनी, सो येस इज़ नॉट वेस्टेड, इट्स वर्थ इट, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा। पिया नाम है दी का, तो क्या हुआ था स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ, पहले पर्स देख लीजिए, स्टोरी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। सो या इस तरीके का पर्स है, ये रहा,
ये वो पर्स है, इसकी हैंडल इस तरीके से है पकड़ने वाला जो मुझे चाहिए था। सो ये इस तरीके से ओपन होता है, यहाँ से ऐसे ट्विस्ट कर दो ओपन हो जाएगा। एंड पीछे से ये कुछ इस तरीके का है, नीचे से साइड से यू नो सब देख सकते हैं। सो यस, अंदर से ये ऐसा है, आपको दो टाइप मिल जाएगा, आपको पार्टीशन मिलेगा बीच में, और इस पार्टीशन में भी आपको चेन लगा हुआ चेन वाला मिल जाएगा। इस तरीके से आपको दो कंपार्टमेंट मिल जाएंगे, ठीक। सो यस, ये हुआ था कि मेरे को ये चाहिए था, तो मैंने दी को बोला, मैंने कहा दी ने जो ये पर्स दिखाया था यही पर्स एग्जैक्टली। तो ये पर्स मुझे वहाँ पर जब मैं देखने गई थी तो मुझे आउट ऑफ स्टॉक हो गया था ये पर्स वेबसाइट पर से, तो मैं मीशो पर से, यस एग्जैक्टली मीशो पर से ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था जब तक मैं देखने गई थी। तो मैंने दी को कमेंट सेक्शन में बोला था कि दी ये तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो दी ने विद इन अ सेकंड मुझे बोल दिया कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिए। मैं वाज लाइक व्हाई शी सेइंग दैट, बट फिर भी मैंने उन्हें इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया। दी मेरे को बोली कि तुमको चाहिए तो इट्स ओके, मैं तुमको अपना वाला दे दूंगी, कोई बात नहीं, मैं तुमको अपना गिफ्ट कर दूंगी। मैंने कहा सीरियसली, मतलब सच में ऐसा हो सकता है? तो दी ने मुझे ये फिर गिफ्ट कर दिया। मुझे बिलीव नहीं हुआ, मुझे पर्सनली बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि मैं दी को नहीं जानती, दी मुझे नहीं जानती है, सडनली ऐसे कैसे कोई गिफ्ट कर सकता है। यस वन मोर थिंग इसके अंदर ये स्लिंग भी था, यस मुझे अभी अभी दिखा, तो स्लिंग भी था, बट स्लिंग का मुझे कोई काम नहीं है, बिकॉज मुझे ये इस तरीके से हैंडिंग हैंग करने के लिए चाहिए था, तो मुझे हैंगिंग पर्स हैंगिंग स्लिंग बैग चाहिए था। सो यस एग्जैक्टली हैंगिंग स्लिंग बैग। सो दी ने फिर मुझे ये पार्सल करा, मुझे सबसे बहुत खुशी हुई। दी का नाम, दी की प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट, दी की इंस्टाग्राम हैंडल का स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा दूंगी। सो यस दैट्स कंप्लीट्स माय हॉल।